चौलैया के साग जो होते हैं लाल वाले ग्रीन वाले, तो बरसातों के मौसम में मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है और ज़्यादा मिल रहा है साग, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। और बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। आपने साग खाया होगा, कई तरीके से बनाना, हर घर में अलग अलग तरीके से बनते हैं, अपना अपना बनाने का अलग अलग तरीका है, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ अलग तरीके से बनाए और आप लोग के साथ शेयर करें। तो इसको मैंने 4-5 बार से वॉश कर लिया है और इसको बारी बारी कट करके मैंने रख लिया है। मैंने चना भिगो कर रखा है, जीरा रख, 2-3 चम्मच मैंने तेल डाला है, ज़्यादा तेल की मात्रा भी मैंने कभी नहीं किया है, और 3 चम्मच ये जीरा है और 1-2 हरी मिर्च सूखी मिर्च है। इसको हल्का सा ब्राउन हो जाने देते हैं और खुशबू आ जाने तक इसको पका लेते हैं। आप तो सोच रहे हो कि तो सबको पता है कि साग कैसे बनता है, वो तो मुझे पूरी पता है सब कैसे घर में साग बनती है, तो हर घर में अलग अलग तरीका है बनाने का। ब्राउन हो गया है जीरा, अब इसे हम साग का पत्ती डाल देते हैं। जैसे जैसे मैं बता रहे हो वैसे वैसे आप भी बनाइएगा, बहुत खुशी और बहुत बढ़िया लगता है साग खाने में। हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। तो वह चना था, इसको हमने भिगो कर रख लिया था, इसलिए इसे हम डाल देते हैं। हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच, 2 चम्मच मैंने हल्दी डाल दिया इसमें, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, लहसुन भी डाल देते हैं और इस सारे चीज़ों को डालकर मिक्स कर चला देते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया साग बनता है। एक बार इस तरीके से आप बनाइएगा, मैं कोई अलग से और पीछे से कुछ नहीं डाला है, जो हम दाल डाला है आपके सामने डाला है। बहुत टेस्टी बनता है साग, इस तरीके से चलैया का साग बना के रखिएगा। अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसको घर पर हम पकाएंगे। ढक दिया है, अब बिल्कुल सिम गैस करके आप इसको चलाते रहिए, पानी नहीं डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको बीच बीच में चलाते रहिए। अब इसको देखिए, पानी मैंने नहीं डाला था, गैस कम कर दिया था और इसको बीच बीच हम चलाते जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना बढ़िया अच्छे से पक चुका है, बढ़िया तरीके से पक चुका है। ये बहुत विटामिन से भरपूर होता है साग, हरी सब्जी नेचुरल है, ना इसमें खाद है ना कुछ है। और इसको हम गैस और ढक्कन नहीं लगाएंगे, और इसको ऐसे ही पकाएंगे, पानी इसका सुखा लेंगे, तब आपको हम दिखाएंगे लगातार ऐसे चला के जाएंगे। ये देखिए साग हमारा बनकर चौलैया का तैयार हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए चौलैया का साग हमारा बनकर तैयार हो चुका है, कितना सुंदर और कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए चौलैया का साग कितना सुंदर और कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप इस तरह बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो होगा वो आपके फॉर्म में डालेंगे, आपके पास आएगा। एक बार इस तरीके से चावल और रोटी किसी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया, कम तेल मसाला में बनकर भी तैयार हुआ है। आप फिर बनाइए और खाइए।